चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हाइपर ओएस यानी कि शाओमी डिवाइसेस में मिलने वाले एक नए फीचर्स के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है इंटरकनेक्टिविटी। तो ये फीचर क्या काम आता है, आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो जो लोग जानते हैं इंटरकनेक्टिविटी के बारे में पहले से ही स्किप कर सकते हैं, जो लोग नहीं जानते एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। और हमारे चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज हम आप लोगों के लिए रेगुलर स्क्रीन रीडर के साथ लेकर आते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो सभी के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे समझाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। तो हम लोग सेटिंग को ओपन करेंगे। ठीक है, सेटिंग को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर ऊपर ही मिल जाता है, रेडमी का फोन यूज कर रहे हैं, रेडमी K50i हाइपर ओएस है इसके अंदर। पोर्टेबल इंटरकनेक्टिविटी, यहाँ पर देखिए फीचर हमें मिल रहा है इंटरकनेक्टिविटी, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। इंटरकनेक्टिविटी बैक इंटरकनेक्टिविटी डिस्कवर नियरबाय डिवाइसेस साइंड इनटू योर Xiaomi अकाउंट एंड ऐड देम टू Xiaomi स्मार्ट हब। ठीक है, आपका जो भी नियरबाय डिवाइस है जो आपके Xiaomi अकाउंट से साइन इन है, वो अकाउंट यहाँ पर मतलब वो जो डिवाइस है वो यहाँ पर आप मतलब इससे कनेक्ट कर सकते हो, है ना, और ये जो डिवाइस है वो उससे कनेक्ट कर सकते हो। यानी कि मान लीजिए आपके पास दो Xiaomi के डिवाइसेस है, जैसे टैबलेट है या फिर मतलब कोई इनका जो है लैपटॉप है, मतलब जो भी है आपके पास है तो आप कनेक्ट करके रख सकते हो। या तो कनेक्ट करने के बाद होगा क्या, आगे हम देखते हैं। Xiaomi इंटरकनेक्टिविटी चेक्ड, चेक बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर जो है Xiaomi इंटरकनेक्टिविटी आपको चेक करके रखना है, आगे देखते हैं। पर्सनल डिवाइसेस, पर्सनल डिवाइसेस, होम स्क्रीन प्लस, अलाउ नियरबाय टैबलेट्स एंड कंप्यूटर्स टू व्यू एंड इंटरैक्ट विद दिस डिवाइसेस होम स्क्रीन चेक, चेक बॉक्स। ठीक है, अब आपने अगर इंटरकनेक्टिविटी से इस फोन को कनेक्ट कर लिया, ठीक है, अब कनेक्ट कर लिया तो उससे होगा क्या कि उस डिवाइस का जो डेटा है वो आपके इस फोन में दिखाई देगा और इस फोन का जो डेटा है वो उस फोन में दिखाई देगा। ठीक है, कैसे, ये देखिए आगे आगे ऑप्शंस क्या क्या है। Clipboard, paste text and images to other devices within 2 minutes after copying them on this device. Checked. Checkbox. आप जो भी डेटा कॉपी करते हो वो आप जो है वहाँ पर पेस्ट कर सकते हो उस डिवाइस में। यानी कि मान लीजिए आपने टैबलेट को इसके साथ कनेक्ट करके रखा है, तो फोन से आप कुछ कॉपी कर रहे हो तो वही चीज़ आप अपने टैबलेट से पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बस आपके पास सेम अकाउंट साइन इन होना चाहिए और यहाँ पे आपके दोनों डिवाइसेस कनेक्ट होना चाहिए। आगे कैसे काम करेगा वो भी हम देखेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल तो नहीं देखेंगे क्योंकि सेकेंडरी डिवाइस हमारे पास नहीं है इसके लिए, लेकिन आपको बता देंगे अच्छे से ताकि आप लोग समझ पाओ। नोटिफिकेशंस, शो नोटिफिकेशंस ऑन नियरबाय टैबलेट्स और कंप्यूटर्स इन यूज व्हेन दिस डिवाइस इज लॉक्ड ऑन। ठीक है, ये डिवाइस अगर लॉक है फिर भी उन डिवाइसेस में आपको जो है वो नोटिफिकेशन दिखाई देगी जो भी इस डिवाइसेस में आएगी। देखते हैं आगे। नेटवर्क सिंक ऑन, नेटवर्क सिंक ऑन, आगे देखते हैं। इंटरकनेक्टिविटी एंड परमिशंस, आगे इंटरकनेक्टिविटी एंड परमिशन है, इस पे चलेंगे हम लोग। इंटरकनेक्टिविटी एंड परमिशंस बैक, इंटरकनेक्टिविटी एंड परमिशंस स्क्रीन, अलाउ नियरबाय डिवाइसेस साइंड इनटू द सेम अकाउंट टू व्यू एंड इंटरैक्ट विद दिस डिवाइसेस स्क्रीन कंटेंट। ठीक है, आपकी इस स्क्रीन पर जो भी कंटेंट है वो देखे और उसे इंटरैक्ट भी कर पाए, वो भी फीचर यहाँ पर है। तो ये इजीली जो है आप जो है इंटरैक्ट कर पाओगे। तो ये इस तरह से जो है आपको दिखाई देगा, है ना, ये कुल मिला के ये जो फीचर है ये फिलहाल के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और से ही यही सेम फीचर आपको आपके Xiaomi के दूसरे डिवाइसेस में दिखाई देंगे। Xiaomi इंटरकनेक्टिविटी चेक, चेक। ठीक है, डिस्कवर नियरबाय डिवाइसेस साइंड इनटू योर Xiaomi अकाउंट एंड ऐड देम टू Xiaomi स्मार्ट हब। जब भी आपका जो भी डिवाइस होगा Xiaomi अकाउंट के साथ साइन इन होगा तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा और आप उसको जो है कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए जो आपको ब्लूटूथ को ऑन करके रखना पड़ेगा, आपने ब्लूटूथ ऑन रहेगा और ब्लूटूथ ऑन रह के आपका वाईफाई ऑन रहेगा तो ये सारी चीज़ें ऑन रहेंगी। और उसके बाद आपका वो डिवाइस है सेम अकाउंट रहेगा, उसमें आपका जो डिवाइस है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब नोटिफिकेशन पैनल में आपको दोनों भी जगह पर दोनों डिवाइसेस दिखाई देंगे। यानी कि नोटिफिकेशन पैनल को आप ओपन करोगे, जैसे ये K50i है और मान लीजिए हमारे पास कोई टैबलेट है, ठीक है, तो दोनों डिवाइसेस हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में दिखाई देंगे। तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो जो डिवाइसेस का डेटा हमें देखना है वो डिवाइस का डेटा हम एक्सप्लोर करके देख सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आप इंटरकनेक्टिविटी के द्वारा देख सकते हो। और जो जो फीचर्स हमने बताए, जैसे कॉपी करना, आप कॉपी करके यहाँ इस फ़ोन में कॉपी करके आप अगले वाले मतलब फ़ोन में जो है पेस्ट कर सकते हो, या फिर नोटिफिकेशन को भी जो है आप एक्सेस कर सकते हो, और स्क्रीन को भी जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी काम का फीचर है। तो जैसे ही हमारे पास मतलब Xiaomi का कोई डिवाइस आएगा तो हम ज़रूर इसमें प्रैक्टिकल देखेंगे, लेकिन ये फीचर बहुत ही काम का है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा जिनके पास दो दो Xiaomi के डिवाइसेस है, और दोनों भी जगह पर Xiaomi का अकाउंट साइन इन है, याद रहे आपको मोबाइल नंबर से जो है साइन इन करना है, या फिर आप कोई भी अपना Xiaomi का अकाउंट बना सकते हो। कैसे बनाना है उस पर हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं हमारे चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके पास दो दो डिवाइसेस है, आप चाहते हो इंटरकनेक्टिविटी करना, तो आप जरूर इसको ट्राई करके देखेगा। तो यही था इस नए से फीचर्स में, डिटेल में हम आपको बता चुके हैं। अगर आपको इससे जुड़े हुए कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में जाइए, सवाल पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि वहीं पर आपको जो है सारा क्लैरिफिकेशन दे पाए। और इस जानकारी को सब तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर सभी के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप अबाउट पेज में आप लोग जाके जुड़ सकते हो, techassistantfline.com पर विजिट जरूर कर लेना। मैं था जीतूराज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।